हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ एजे। आज हम देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो, दैट इज हाउ टू इंस्टॉल आर स्टूडियो इन योर सिस्टम। ओके, इसके अंदर आपके सिस्टम कोई भी हो सकते हैं, विंडोज 10, विंडोज 8, विंडोज 7, तो सभी के ऊपर सेम चीज़ ये अप्लाई होने वाली है। तो सिंपल आपको आपका ब्राउजर ओपन करना है, कि आपके पास कोई भी ब्राउजर हो सकता है। तो सिंपल ब्राउजर ओपन करना है, यहाँ पे सर्च करना है आर स्टूडियो डाउनलोड। सो फर्स्ट हमें डाउनलोड करना है आर स्टूडियो, देन सिलेक्ट फर्स्ट लिंक, दैट इज डाउनलोड आर स्टूडियो IDE। ओके, आफ्टर दैट ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, सिलेक्ट वर्जन। ओके, यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हो, दैट इज आर स्टूडियो आपको डेस्कटॉप में भी अवेलेबल है एंड सर्वर में भी अवेलेबल है। ओके, एंड फ्री एंड पे दोनों वर्जन के अंदर अवेलेबल होने वाला है। देन देखते हैं, ओके, देन फॉर डाउनलोड आर स्टूडियो के ऑटोमेटिकली ये लेटेस्ट जो वर्जन है रिक्वायर फॉर विंडोज 10, कि विंडोज 10 तक ये क्या हो सकता है, चल सकता है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, डाउनलोड। इफ ये आपको प्रॉपर है आपके PC के लिए चाहिए तो एक सी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे जैसे zip फॉर्मेट में भी है, कि जैसे कि आपको मल्टीपल PC जैसे हर टाइम एक सी फाइल आप लेके तो नहीं जा सकते, तो zip फोल्डर का कोड यहाँ पे आपको अवेलेबल है। सो zip फोल्डर विथ एन SHE-255 इन द सेंस सिक्योरिटी, विथ एन सिक्योरिटी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हो। इट्स टेक्स 150 MB टू डाउनलोड, एंड उसके अकॉर्डिंगली डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया, कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इंटरनेट अपना स्पीड अच्छा है। सो कंप्लीट होने के बाद सिंपली इसको ओपन व्हेन डन, या जो फोल्डर है वहाँ से भी आप डाउनलोड ओपन कर सकते हो। देन फर्स्ट दैट इज अ वेलकम विंडोज, वेलकम टू आर स्टूडियो सेटअप, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, जहाँ पे आपको डेस्टिनेशन फोल्डर्स क्रिएट करना है, तो डेस्टिनेशन फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, सिलेक्ट करो कहाँ पे करना है, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट जो सी वाला है वो रख सकते हो। इसके लिए रिक्वायर्ड स्पेस रहते हैं 0907.2 MB, इतना स्पेस रिक्वायर्ड है, तो उतना स्पेस आपके फोन PC के अंदर होना चाहिए। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, इन नंबर्स ऑफ पैकेट्स ऑलरेडी इंस्टॉल होने वाले हैं। इस तरह से शॉर्टकट क्रिएट करना है तो शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो, देन इंस्टॉल। ओके, इट टेक्स सम टाइम, ऑलमोस्ट 2 to 3 minutes के अंदर जो इंस्टॉलेशन है कंप्लीट हो जाएगा, एंड जो नंबर ऑफ फाइल एक्सट्रैक्ट हो रहे, एग्जीक्यूट हो रहे, सभी फाइल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, क्योंकि हमें नॉर्मल इतना डीप में नहीं जाना, इतनी कोडिंग वगैरह नहीं देखनी, बट पता होना चाहिए कि कौन कौन से फाइल्स है, सो इसके थ्रू आप देख सकते हो कि कंप्लीट हो जाएगा। देन ये हो गया हमारा आर स्टूडियो। ओके, आर लैंग्वेज का सेटअप्स अभी बाकी है। ओके, आर स्टूडियो के लिए आपको आर लैंग्वेज का सेटअप भी डाउनलोड करना है। सो देखते हैं इसका शॉर्टकट आया कि नहीं। सो शॉर्टकट्स तो यहाँ पे नहीं आया, तो सिंपल आपको क्या करना है, स्टार्ट में जाना है एंड देन आर स्टूडियो। ओके, देन आर स्टूडियो सेटअप्स ओपन होगा, एक सेकेंड रिफ्रेश करते हैं इसको अगेन, आर स्टूडियो। ओके, दो बार ओपन हो। ओके, इस सिस्टम के अंदर शायद से पहले से ही इंस्टॉल है, तो इस वजह से इसके अंदर ये सक्सेसफुली वर्क हुआ। इफ ओके, ये जो सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हुआ, इफ कोई रीज़न की वजह से आपके PC के अंदर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ, ओके, आर स्टूडियो कंप्लीट हुआ, देन इफ जो 64-bit का ऑप्शन आपको आता है उसके लिए CRAN, ओके, कि जो आर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे आपको जाना है, CRAN के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉम्प्रेसिव फाइल,
तो यहाँ से आपको फॉरेन विंडोज आर डाउनलोड करना है, तो इंस्टॉल फर्स्ट टाइम, सो जो वर्जन होगा वर्जन डाउनलोड करना है एंड इंस्टॉल करना है इफ़ आपको ऑप्शन नहीं आया तो, ओके अदरवाइज ए आया तो वेल एंड गुड। दो ओपन हुए तो एक ही रखते हैं यहाँ पे, ओके सो वन बाय वन हर एक टैब के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं ओवररी। सो फर्स्ट दैट इज अ कंसोल, जहाँ पे आपकी कोडिंग का कंप्लीट पार्ट होने वाला है लेफ्ट हैंड साइड में कंसोल। देन राइट हैंड साइड में आपको मिलने वाला है एनवायरमेंट, जैसे कि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो तो इसका इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। देन हिस्ट्री, प्रीवियसली जो भी वेरिएबल्स या जो भी कोडिंग आप करोगे यहाँ पे कंसोल के ऊपर सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होगी। आफ्टर क्लीनिंग कंसोल, कंसोल क्लीन होने के बाद भी यहाँ पे एज इट इज रहेगा। देन फाइल्स, नंबर्स ऑफ फाइल्स जो लास्ट टाइम यूज किए इस पीसी के अंदर। देन प्लॉट्स, इफ हम कोई भी ग्राफ वगैरह ड्रॉ करेंगे कंसोल यूज करके तो ग्राफ यहाँ पे दिखेगा, इन द सेंस ग्राफ मॉड्यूल जो भी है। ओके देन पैकेजेस, यहाँ पे के नंबर्स ऑफ कौन कौन से पैकेजेस यूज़ किए हैं सिस्टम के अंदर या कौन कौन से प्रेजेंट है जो यूज़ कर सकते हैं हम सभी यहाँ पे, यूज़र लाइब्रेरी एंड सिस्टम लाइब्रेरी दोनों लाइब्रेरी यहाँ पे प्रेजेंट है। देन हेल्प, इफ आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी, कोई भी डाउट होगा आर स्टूडियो के रिगार्डिंगली तो डायरेक्टली उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो या हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो तो हम यहाँ से आपके डाउट सॉल्व करेंगे क्लियर करेंगे। देन लास्ट व्यूअर, तो इफ़ आपने बाय यूजिंग एन आर टूल कोई भी वेब कंटेंट क्रिएट किया होगा तो वेब कंटेंट को व्यू करने के लिए आपके पास यही व्यूअर्स प्रेजेंट होने वाला है। देन ओके एक यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लेते फॉर एडिंग अ टू नंबर। सो एक नंबर ए, इसको कहते वैल्यू 10, देन बी की वैल्यू 20, ओके सो हिस्ट्री के अंदर एड इट इज कोड आता है देखो एंड जो एनवायरनमेंट है, ओके एनवायरनमेंट के अंदर वैल्यूज भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो रही है। देन सम दैट इज ए प्लस बी, ओके सो ऑटोमेटिकली जो भी कैलकुलेशन होगा सभी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। देन नेक्स्ट इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट सम, ओके तो इसके अकॉर्डिंगली वैल्यू भी यहाँ पे डिस्प्ले होगी। तो नंबर्स ऑफ कमांड्स कौन कौन से एग्जीक्यूट किए हैं, देन नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स मेथड एनवायरनमेंट के अंदर आपको मिलेगी। इस तरह से आपको बेसिक जो आर स्टूडियो इंस्टॉल कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली जो भी टास्क है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ये हो गया इंट्रोडक्शन वीडियो। नेक्स्ट इसके आगे जो नंबर्स ऑफ ऑल भी चीज़ें है जो हम देखने वाले हैं, सो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट क्वेरी या सजेशन होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड सिमिलर नेक्स्ट वीडियो के लिए जो चीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।